हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। तो आज हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि प्लांट अपना भोजन किस तरह प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि प्लांट अपना भोजन रूट के थ्रू बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब हम प्लांट में पानी डालते हैं तो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब होकर रूट वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके स्टेम में पहुंचाती हैं। स्टेम इसको जाके लीफ में पहुंचा जाता है। तो लीफ में प्रेजेंट, आपने ये तो देखा ही होगा, लीफ में एक तो इस तरह की ट्यूब होती है, एक बड़ी ट्यूब होती है और एक छोटी ट्यूब होती है। छोटी ट्यूब होती है तो ये बड़ी ट्यूब को बोलते हैं मेन ट्यूब और ये छोटी वाली ट्यूब को बोलते हैं सब ट्यूब। तो फिर स्टेम से पानी पहले फिर मेन ट्यूब में जाता है, फिर सब ट्यूब में पहुंच जाता है। तो इसके और यहाँ से उसके ऊपर पड़ती है सनलाइट। यहाँ से पानी गया, यहाँ से वाटर गया, यहाँ से सनलाइट आई और फिर इसके अंदर प्रेजेंट स्टोमेटा यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। वो छोटे छोटे छिद्र को ही हम स्टोमेटा कहते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखने पर ही हमें ये छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा यहाँ से वाटर गया, यहाँ से सनलाइट आई और यहाँ से वो छिद्र CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जहां से इन छिद्रों ने CO2 को ऑब्जॉर्ब किया वहीं से यहाँ से O2 रिलीज हो जाती है और लीफ का ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो वाटर, CO2 और सनलाइट तथा इसके अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल मिलके खाने का निर्माण करते हैं। और जब CO2, सनलाइट और वाटर मिलते हैं तो इसके बदले में हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज बनता है। हाँ, ये शक्कर ग्लूकोज वो एक ही है, वो ग्लूकोज मिलता है। तो इसमें हमें, इस क्रिया में हमें ग्लूकोज मिलता है सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर इजकल टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मिलता है और ये क्रिया हमारी संपन्न हो जाती है। इस तरह ये स्टेम से सारे लीव्स में चला जाता है और इसमें चला जाता है और इसलिए लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री बोलते हैं और किचन ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं। और लीव्स को प्लांट का रसोईया ही बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में यानी प्रकाश संश्लेषण में तथा पौधे का खाना बनाने में प्लांट की हेल्प करता है। इसलिए हम लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कौन है, तो वो लीव्स है। तो इस तरह ये क्रिया चलती रहती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस क्रिया हमारी संपन्न होती है। ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।